वेलकम टू साइंस पेडागॉजिक्स, साइंस मेड इजियर। आज का हमारा टॉपिक है कि क्यों हमें सोते हुए अचानक से खड़े नहीं होना चाहिए, या क्यों हम सोते हुए अगर अचानक से खड़े हो जाते हैं तो हमें चक्कर आने लग जाते हैं। सो टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी एक लेवल पे होती है और हमारा ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल। लेकिन अगर हम काफ़ी लंबे समय तक सोते हुए अगर सुबह अचानक से खड़े हो जाएं तो हमारी बॉडी एक लेवल में नहीं रहती, सिर ऊपर एंड ऑफ कोर्स पैर नीचे की तरफ रहते हैं, जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर घट जाता है। इसको समझने के लिए हमें हमारे ब्लड वेसल्स को देखना होगा। तो अर्थ जो है वो ग्रेविटी एक फोर्स से पुल करती है ब्लड को हमारी लेग्स की ब्लड वेसल्स में। इसके कारण जो ब्लड है वो हार्ट तक अच्छे से उस पर्टिकुलर सेम स्पीड से पहुंच नहीं पाता है, जिसके कारण ब्लड जो है लेग्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने के कारण अगर हम सोते हुए अचानक से उठें तो हमें चक्कर आने लग जाते हैं। एंड इसको साइंस की भाषा में पोस्चुरल हाइपोटेंशन भी कहते हैं, मतलब पोस्चर चेंज होने की वजह से हाइपोटेंशन। अब ऐसा क्या किया जाए जिसके कारण हमें सोते हुए अचानक से उठने पे चक्कर नहीं आए? तो इसको अवॉइड करने के लिए जब सुबह उठें तो थोड़ी देर बैठें। इन दिस वे आपको सुबह उठते हुए कभी चक्कर नहीं आएंगे। सो थैंक यू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप अपडेटेड अबाउट योर बॉडी।